बॉलीवुड में हैशटैग मीटू मूवमेंट की मानो लहर सी चल पड़ी है। आए दिन रोज इंडस्ट्रीज के नए नए नामों का खुलासा हो रहा है। नाना पाटेकर के बाद कैलाश खेर, रजत कपूर, विकास बहर, आलोक नाथ, पीयूष मिश्रा, सुभाष गई के बाद अब इस लिस्ट में लेटेस्ट नाम फिल्म मेकर साजिद खान का जुड़ा है। मीटू मूवमेंट के तहत तीन लड़कियों ने इन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। एक्ट्रेस सलोनी चोपड़ा, रैचल वाइट और पत्रकार करिश्मा उपाध्याय ने साजिद खान पर काफी गंदे आरोप लगाए हैं। इसके बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने साजिद के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, तनुश्री को मुबारकबाद क्योंकि उनकी वजह से आज महिलाएं सामने आकर खुलकर बोल रही है, मगर मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। साजिद खान का सेट पर महिलाओं के प्रति व्यवहार अजीब होता था जो मुझे काफी परेशान करता था। साजिद गंदे जोक्स किया करते थे और महिलाओं के प्रति वो असभ्य थे। बिपाशा बसु ने साजिद खान के साथ फिल्म हमशक्ल की थी। उन्होंने अपने ट्वीट पर यह भी कहा कि मुझे सेट पर सभी ने साजिद को किसी भी तरह का जवाब देने से मना किया गया था, इसलिए मैंने चुपचाप पेशेवर तरीके से अपना काम पूरा किया और फिल्म निर्माताओं को अपना रुख समझाया कि मैं खुद को इस फिल्म के साथ नहीं जोड़ सकती। मैं अपनी बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस फिल्म के बाद मैंने तय किया कि उसके साथ कभी काम नहीं करूंगी।